एक स्टॉक है जिस पर आज सौमित्र की एक रिसर्च है और वो है रेलवे स्टॉक। IRFC में हमने देखा है जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, क्या बड़े ट्रिगर्स हैं ये एक बार सौमित्र से समझ लेते हैं और ब्रोकरेजेस भी क्या व्यू बना रही है। सौमित्र बताएं, IRFC स्टॉक पे आज हम इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि अगर आप कल का ट्रेडेड शेयर्स देखेंगे एक्सचेंज पे, दोनों एक्सचेंजेस पे BSE और NSE पे, तो करीब 54 करोड़ शेयर्स थे। अब ये लगभग 30% है पब्लिक शेयर होल्डिंग का और 4% है टोटल इक्विटी का। ये टोटल ट्रेडेड शेयर्स था कल एक दिन का, दैट इज 54 करोड़। कल के जो वॉल्यूम्स थे वो 4 times थे 20-day एवरेज के सामने और कल का जो मूव था स्टॉक का वो 20% अपर सर्किट पे स्टॉक लगा था, जो कि सबसे बड़ा मूव था कंपनी के लिए लिस्टिंग से लेके अब तक। अभी इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी January 29, 2021 को। ईयर टू डेट बेसिस पे स्टॉक 100% से ज़्यादा गेन कर चुका है और 10% से ज़्यादा का मूव IRFC में सिर्फ 4 बार देखने को मिला है लिस्टिंग से लेके अब तक, और ये चार मूव जो हुए थे वो पिछले एक महीने में IRFC में हुए थे। अब अगर आप कंपनी की मार्केट कैप देखेंगे वो करीब 87,000 करोड़ के आसपास है और ये थर्ड लार्जेस्ट NBFC है इंडिया में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। इनफैक्ट M&M फाइनेंस, L&T फाइनेंस, पूनावाला फिनकॉर्प, श्रीराम फाइनेंस, इनसे भी बड़ी हो गई है IRFC आज के टाइम पे। अब ये कंपनी क्या करती है, ये मार्केट बोरोइंग आर्म है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की। करीब 40% ऑफ द टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले जो था रेलवेज का FY17 से लेके 21 के आसपास, उसमें वो पूरा IRFC ने फाइनेंस किया था। अब लो रिस्क बिजनेस मॉडल है क्योंकि ना कोई इंटरेस्ट रेट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, या ना ही एसेट लायबिलिटी मिसमैच का कोई रिस्क है इस कंपनी में। अगर आप देखेंगे तो जो इंटरेस्ट और करेंसी रिस्क है वो पूरा पास ऑन कर देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पे, और कॉस्ट प्लस मॉडल है तो एक फिक्स स्प्रेड अर्न करती है कंपनी आगे चल के। और अगर आप देखेंगे तो 98% जो लेंडिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को होता है, तो क्रेडिट रिस्क भी बहुत मिनिमल है IRFC में। बट काफ़ी सारे रिस्क है इस रैली में। अगर सबसे पहला रिस्क आप देखेंगे तो FY23 का जो डिसबर्समेंट था वो 46% लोअर था ना YOY बेसिस, और कंपनी ने क्लियरली ये कहा है कि FY24 के लिए उनके पास अभी तक कोई भी गाइडेंस नहीं मिला है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज से कि कितना फाइनेंसिंग वो कर सकते हैं IRFC से। क्योंकि अगर आप देखेंगे FY24 का जो कैपिटल आउटले था 2.4 लाख करोड़ का, वो पूरा ग्रॉस बजटरी सपोर्ट के थ्रू होगा, तो कितना फाइनेंसिंग IRFC की तरफ से आएगा उस पर कोई भी क्लैरिटी अब तक नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो केपेक्स फाइनेंसिंग का ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली गिरे जा रहा है। 46% था FY21 में, वो गिर के अब 19% हो गया था FY23 में। और सबसे बड़ा रिस्क जो है कंपनी को लेके वो ये है कि गवर्नमेंट अपना स्टेक डाइल्यूट करेगी आगे चल के, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट होल्डिंग अभी 83% पे है और सेबी नॉर्म्स के हिसाब से January end 2024 तक गवर्नमेंट को अपनी होल्डिंग 75% पे इसको लानी होगी, तो एक गवर्नमेंट डाइल्यूशन का भी रिस्क आ जाता है IRFC पे। और वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो 1.9 टाइम्स है प्राइस टू बुक, जबकि हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस इस कंपनी के 0.8 टाइम्स के आसपास थे। तो ये रहा IRFC पे हमारा एक डिटेल रिसर्च, ठीक है। लेकिन एक बार IRFC पे एक चार्ट चेक ले लेते हैं क्विक, कि इतनी बड़ी चाल चलने के बाद और जैसा से हम ना, ये तो रेलवे फाइनेंसिंग से जुड़ी हुई कंपनी है और जैसा से मार्केट कैप भी इसकी दूसरे फाइनेंशियल से, चाहे सीवी साइट के फाइनेंसर्स हो, उससे बड़ी हो चुकी है, तो क्या किसी तरह के पोटेंशियल रिस्क भी हैं आप चार्ट पे जो देख रहे हैं? वैशाली एक बार IRFC के चार्ट चेक करके बताएंगे। सो ट्रेंड इज वेरी वेरी बुलिश, बट ऑफकोर्स एट द सेम टाइम काफी ओवरबॉट जोन में है। सो मैं कहूंगी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, बिकॉज इन ऑल लाइकलीहुड ये स्टॉक जा सकता है 70 to 73 तक।